कोई टेंशन ना करें। अच्छा, एक और बात करते हैं जो ये धूर्त साहब सबको बताते हैं, ये जो महानुभाव है ब्रायन किंग साहब, कोरा में बताते हैं, कोरा में कोई कुछ भी बोलेगा और कुछ लोग हैं जो मानते भी हैं, कैलिफोर्निया बोर्ड के बारे में। चलिए मैं आपको कैलिफोर्निया बोर्ड के बारे में भी बताता हूँ। वो बताते हैं कि स्पार्टन कैलिफोर्निया बोर्ड से बैंड हो गया है, ब्लैक लिस्टेड है। सबसे पहला पॉइंट, स्पार्टन को 1985 में कैलिफोर्निया बोर्ड ने बेशक बैन किया था, ब्लैकलिस्ट किया था। हमारा जो पहले ओनर थे उन्होंने कैलिफोर्निया बोर्ड के ऊपर केस किया, उसके बाद स्पार्टन को बेशक विदाउट डाउट कैलिफोर्निया मेडिकल बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट किया था, कोई डाउट नहीं है। ये जो बैन था ये 2015 में लिफ्ट हो गया, अब ये बैन नहीं है। 20 साल के लिए बैन किया था, वो 2015 में लिफ्ट हो गया। अब स्पार्टन के ग्रेजुएट्स कैलिफोर्निया के अंदर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैलिफोर्निया में रेसिडेंसी भी यानी पीजी भी ले सकते हैं। एक और बात ध्यान रखें, स्पार्टन के 5 से ज्यादा ग्रेजुएट्स जिन्होंने स्पार्टन से एमबीबीएस कंप्लीट किया, ऐसे 5 से ज्यादा ग्रेजुएट्स अभी कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और बात कैलिफोर्निया बोर्ड की मैं आपको बताऊं, कैलिफोर्निया मेडिकल बोर्ड करके आप सर्च करें गूगल में, कैलिफोर्निया बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। मैंने पहले आपसे कहा था कि प्रॉपर एक्यूरेट कंसल्टेशन, ऑनेस्ट कंसल्टेशन, रियल रिसर्च चाहिए, तो ये है रियल रिसर्च। कोरा में मत जाइए, विकिपीडिया में मत जाइए, सोर्स देखिए कैसा है। कैलिफोर्निया बोर्ड की खुद की वेबसाइट पे जाइए, यहां पर आप सर्च करें सेनेट बिल 798, सॉरी आपको सर्च करना है SB 798, ये आप सर्च करें यहां पर उसकी वेबसाइट पे, पहला ही आ जाएगा सेनेट बिल 798। ये सेनेट बिल 798 क्या है ये आप देखे परखे जाने, तब आपको पता चलेगा कि जो लोग आपको कोरा में कुछ भी बोलते हैं उनका बुद्धिमत्ता कितनी संकीर्ण है, उनको पता क्या है, कुछ भी नहीं और किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अब कैलिफोर्निया बोर्ड जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, सेपरेट रिकॉग्निशन कैलिफोर्निया बोर्ड से। कोई भी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल यानी ऐसी कोई भी स्कूल जो यूएसए के बाहर स्थित है, उसके ग्रेजुएट्स अगर वो स्कूल की एक्रेडिटेशन बॉडी जो है वो WFME से अप्रूव्ड है, जैसे कि KMHB, तो वो कैलिफोर्निया के स्टेट के अंदर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएंगे और रेसिडेंसी ले पाएंगे। अब कैलिफोर्निया बोर्ड का कोई स्पेशल डिफरेंट अप्रूवल नहीं होगा, पहले था ये, अब 2020 के बाद यानी अब से कैलिफोर्निया बोर्ड का कोई सेपरेट अप्रूवल नहीं है, यानी ऐसी कोई भी मेडिकल कॉलेज जिसका अप्रूवल ऐसा कोई अथॉरिटी करता है जो WFME से अप्रूव हो, ऐसी मेडिकल कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट कैलिफोर्निया में पीजी भी कर सकता है और कैलिफोर्निया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर सकता है। फिर से रिपीट करूंगा, स्पार्टन के 5 से ज्यादा ग्रेजुएट आज की डेट में कैलिफोर्निया स्टेट में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं 5 के नाम मैं आज अभी यहां आपके दूं, लेकिन ये पब्लिक फोरम है, शायद फेसबुक पर भी लाइव होगा तो वो डॉक्टर्स को परेशानी हो, लेकिन आप मुझे पूछे, आप ये मुझसे पूछिएगा ईमेल में, फोन पे, मैं आपको वो नाम दूंगा ताकि आप वो नाम को गूगल सर्च कर पाओगे, वो हॉस्पिटल में फोन करोगे तो वो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि हाँ ये डॉक्टर साहब है और ये स्पार्टन के ग्रेजुएट है और इसके बारे में ये बात चल रही है। तो एक और बात